पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आश निंजा टूर्नामेंट के टॉप 35 ट्रेंड्स में चला जाता है, जिसके बाद उसको पता चलता है कि उसकी नेक्स्ट बैटल होने वाली है रिची नाम के पोकेमोन ट्रेनर के साथ, जिससे आश मिलता है और आगे जाके बैटल स्टार्ट हो जाती है। रिची अपने शाइनी ग्रेनिंजा को सेंड करता है, वहीं पर आश भी अपने ग्रेनिंजा को भेजता है। बैटल स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर आश का ग्रेनिंजा डोमिनेट कर रहा होता है। अब आगे रिची का ग्रेनिंजा यूज करता है नेट स्लैश अटैक का, वहीं पर आश का ग्रेनिंजा एरिया लेस का यूज करता है। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर दोबारा से आश के ग्रेनिंजा का एरिया लेस ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते वह एक और बार रिची के ग्रेनिंजा को डोमिनेट करता है और रिची का ग्रेनिंजा जमीन पर गिर जाता है। अब आश बोलता है ग्रेनिंजा चलो इस बैल को खत्म करते हैं, वाटर शुरिकेन अटैक का यूज करो। ग्रेनिंजा बिल्कुल ऐसे करता है और वो काफी सारे वाटर शुरिकेन शूट कर देता है, बट रिची एक स्ट्रेटेजी सोचता है एंड वो अपने ग्रेनिंजा को सर्फ अटैक यूज करने बोल देता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ी वेव ग्रेनिंजा की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इससे वाटर शुरिकेन तो रुक ही जाता है, बट साथ में इससे आश के ग्रेनिंजा को भी डैमेज पड़ जाता है। ये रिची के ग्रेनिंजा का मास्टर स्ट्रोक था। आश बोलता है कि अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, ग्रेनिंजा डबल टीम का यूज करो। अब रिची को नहीं पता था कि ओरिजिनल ग्रेनिंजा कौन सा है। रिची बोलता है कि ये ट्रिक मेरे सामने काम नहीं आने वाली, मैंने इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करके रखा है। ग्रेनिंजा तुम भी डबल टीम का यूज कर दो। अब दोनों ही ग्रेनिंजा डबल टीम का यूज कर लेते हैं, जिससे ग्राउंड में काफी सारे ग्रेनिंजा की कॉपीज आ जाती है एंड उनमें से दो रियल ग्रेनिंजा कौन थे वो खुद उनके ट्रेनर या फिर ग्रेनिंजा को ही नहीं पता था। रिची बोलता है कि अब देखते हैं कि आश क्या करता है। आश एक स्माइल देता है और वो अपने ग्रेनिंजा को हाइड्रो पंप यूज करने बोलता है। आश का ग्रेनिंजा साथ में उसके सारे फेक कॉपीज हाइड्रो पंप का यूज कर देते हैं हर एक शाइनी ग्रेनिंजा के कॉपी पर, जिससे क्लोन ग्रेनिंजा गायब हो जाते हैं और रियल ग्रेनिंजा के ऊपर हाइड्रो पंप लग जाता है, जिसको देखकर रिची शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि क्या तुम्हारे फेक ग्रेनिंजा के अटैक्स भी काम करते हैं। अब रिची का ग्रेनिंजा जमीन पर गिरा हुआ था। आश बोलता है ग्रेनिंजा यही मौका है, आइस बीम का यूज करो। ग्रेनिंजा आइस बीम का यूज करके रिची के ग्रेनिंजा को जमा देता है और फिर फाइनली एक डार्क पल्स का यूज करके रिची के ग्रेनिंजा को डिफीट कर देता है, यानी कि ये बैटल भी आश ने जीत ली थी। रिची अपने ग्रेनिंजा के परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है। वो अपने ग्रेनिंजा को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और आश के पास आकर हाथ मिलाता है। वो बोलता है कि आश तुमने काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मैंने तुम्हें इससे पहले कभी भी नहीं देखा था, बट अब डेफिनेटली मैं तुम्हें हमेशा के लिए याद रखने वाला हूँ। एंड हाँ, तुम्हारा ग्रेनिंजा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेनिंजा है जो कि मैंने अभी तक अपने जर्नी में देखा है। आश बोलता है थैंक यू, तुमने भी काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है। रिची भी आश को थैंक यू बोलता है। वो बोलता है कि भले तुमने मुझे अभी डिफीट कर दिया है, बट आगे जाकर और भी काफी सारे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स आने वाले हैं, तो तुम्हें ट्रेनिंग करते रहनी होगी। आश बोलता है जरूर, मैं उनको भी डिफीट करके टाइटल जरूर जीतूंगा। रिची बोलता है देखते हैं एंड वो वहां से चले जाता है। आश सोचता है कि रिची काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था, बट क्योंकि आश ने ये बैटल जीत ली थी वो काफी खुश होता है। अब ब्रॉक, मिस्ट्री सरीना और स्पाइक ग्राउंड में आते हैं। वो बोलते हैं कांग्रेट्स आश, तुमने एक और बैटल जीत लिया और अब तुम टॉप 17 ट्रेनर्स में चले गए हो। अब सिर्फ और सिर्फ तीन और बैटल्स की बात है, जिसके बाद तुम ये टूर्नामेंट जीत जाओगे। आश बोलता है तुमने सही कहा। स्पाइक बोलता है कि आश मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतना आगे आने वाले हो एंड अब मैं डेफिनेटली ये चाहता हूँ कि तुम ये टूर्नामेंट जीत के ही जाओ, क्योंकि बैटल्स को देखकर पता चलता है कि तुम्हारा ग्रेनिंजा सारे ग्रेनिंजा को डोमिनेट कर रहा है, कोई ग्रेनिंजा उसको टक्कर भी नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब यही है कि तुम इस टूर्नामेंट को जीत सकते हो। आश बोलता है कि हाँ, बट हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे कर ट्रेनर्स का लेवल अप होते जाएगा। स्पाइक बोलता है ये भी है, बट आगे के जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आश थैंक यू बोलता है। अब हर बार की तरह आश और उसके फ्रेंड्स बाकी मैचेस एंजॉय करते हैं स्टेडियम में बैठकर एंड उनको दोबारा से वही ट्रेनर देखने को मिलता है जो कि आश को सिमिलर लग रहा था उसके किसी फ्रेंड से। आश और उसके फ्रेंड्स उसकी पूरी बैटल देखते हैं एंड वो ट्रेनर दोबारा से जीत जाता है पूरी तरह से डोमिनेट करके। मिस्टी बोलती है कि ये तुम्हारा फ्रेंड हो या फिर ना हो, पर एक बात तो क्लियर है कि ये काफी स्ट्रांग ट्रेनर है। तुम्हारी तरह इसके ग्रेनिंजा को कोई भी ग्रेनिंजा टक्कर नहीं दे पा रहा है और ये पूरी तरह से डोमिनेट करके बैटल्स को जीत रहा है। तुम्हारा असली चैलेंज यही होने वाला है। आश बोलता है कि हाँ, वो बात ठीक है, बट हमें उससे मिलना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि वो कौन है। आश और उसके फ्रेंड दोबारा से बैटल ग्राउंड में जाते हैं उससे मिलने के लिए, बट उनको दोबारा से पता चलता है कि वो ट्रेनर यहाँ से जा चुका है, जिसके चलते आश और उसके फ्रेंड्स उससे नहीं मिल पाते। ब्रॉक बोलता है कोई बात नहीं, ये तो कंफर्म है कि वो और तुम दोनों ही टॉप 17 ट्रेनर्स में से एक हो, और जिस तरह से तुम दोनों की परफॉर्मेंस है मैं तो डेफिनेटली कह सकता हूँ कि तुम दोनों कहीं ना कहीं मिलने वाले हो बैटल में। एंड वो बैटल सिर्फ और सिर्फ अमेजिंग ही नहीं होने वाली है, पर तुम्हें तब पता चल जाएगा कि वो ट्रेनर कौन है। आश बोलता है कि हाँ, मैं उस ट्रेनर से बैटल करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब आश और उसके फ्रेंड्स बाकी बची बैटल्स को एंजॉय करते हैं। वहाँ पर काफी सारे स्ट्रॉन्ग ग्रेनिंजा बैटल करते हैं और अब बैटल्स और भी ज्यादा इंटेंस हो गई थी पहले के मुकाबले। सरीना बोलते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अब कुछ ही गिने चुने स्ट्रॉन्ग ग्रेनिंजा और उनके ट्रेनर्स बचे हुए हैं, जिसके चलते अब बेस्ट वर्सेस बेस्ट की फाइट हो रही है और ये और भी ज्यादा इंटेंस होती जाएगी जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा। मिस्टी बोलती है कि हाँ, मैं पर्सनली इन फाइट्स को काफी ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पर सच में काफी स्ट्रॉन्ग और गिने चुने ग्रेनिंजा है, शायद इतने सारे अलग वैरायटी के ग्रेनिंजा हमें कहीं पर देखने मिलेंगे। ये सब एक से बढ़कर
मिलकर एक है और रेयर है। ब्रॉक बोलता है कि बट सबसे रेयर ग्रेंजा अभी भी मैदान में दिखना बाकी है। सेरेना और मिस्टिक कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि वो कौन सा ग्रेंजा है। तभी ऐश एक स्माइल देता है जिससे सेरेना और मिस्टिक समझ जाते हैं कि वो ग्रेंजा किसी और का नहीं बल्कि ऐश है। ब्रॉक बोलता है कि मैं तो ये सोचकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि जब ऐश का ग्रेंजा सबसे पहली बार ग्राउंड में बॉन्ड इवॉल्व होगा तो सबका रिएक्शन कैसा होने वाला है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर किसी को भी बॉन्ड एवोल्यूशन के बारे में नहीं पता होगा और बॉन्ड इवॉल्व होने वाला करेंटली इकलौता पोकेमॉन ऐश का ग्रेंजा ही है। ऐसा कोई फेनोमेना किसी ने कभी भी नहीं देखा है। बड़े साइज का ग्रेंजा और शाइनिंग ग्रेंजा रेयर है, बट फिर भी वो हमें काफी बार देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ बॉन्ड एवोल्यूशन पोकेमॉन वर्ल्ड में एक ही है। ऐश बोलता है क्या, मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपने बॉन्ड इवॉल्व ग्रेंजा को यहाँ पर यूज करने के लिए। देखते हैं कि आगे क्या होता है। सारी बैटल एंजॉय करने के बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स पोकेमॉन सेंटर में आ जाते हैं, जहाँ पर ऐश अपने ग्रेंजा को हील करता है और रेस्ट लेते हैं। अगले दिन वो लोग इस सिटी को और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। वो कुछ नई चीजें खरीदते हैं एंड उनको बाद में निंजा फूड के बारे में पता चलता है जो कि स्पेशली ग्रेंजा के लिए बना हुआ था। मिस्टी बोलती है क्यों ना तुम अपने ग्रेंजा को ये फूड दो। ऐश बोलता है कि हाँ, ये काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है। ऐश अपने ग्रेंजा को बाहर निकालता है जिसको ये फूड काफी ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद सेरेना बोलते हैं कि यार शायद तुम भूल रहे हो कि टॉप 17 आज स्टार्ट होने वाला है और अभी मैचअप्स अनाउंस होने वाले हैं और तुम हो कि यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐश बोलता है कि यार इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था, हमें स्टेडियम में जाना होगा। सभी लोग स्टेडियम की तरफ रश करते हैं और वो लोग स्क्रीन के सामने आ जाते हैं जहाँ पर अभी भी मैचअप्स अनाउंस नहीं हुए थे। कुछ ही टाइम में मैचअप्स आने वाले थे एंड ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है अपने अपोनेंट को देखने के लिए। अब 17 स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स बचे हुए थे। फाइनली मैचअप्स अनाउंस हो जाते हैं और ऐश को अपना नाम दिख जाता है। इस बार उसका अपोनेंट एक विलियम नाम का पोकेमॉन ट्रेनर होता है जिसको उसने सबसे पहली बार देखा था बाकी सारे अपोनेंट्स के तरह। यानी कि अभी तक ऐश के सामने वो ट्रेनर नहीं आया था जो कि उसको अपने एक फ्रेंड से सिमिलर लग रहा था। उससे बैटल करने के लिए ऐश को अभी भी वेट करना होगा। स्टिल अब ऐश उस ट्रेनर को ढूंढने लगता है जिसके साथ उसकी बैटल होने वाली है। दूसरी तरफ बैटल से पहले कैमरन भी ऐश को ढूंढ रहा होता है और फाइनली वो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। ऐश बोलता है क्या तुम कैमरन हो। कैमरन हाँ बोलता है और ऐश बोलता है कि हाँ मैं हूँ ऐश। दोनों ट्रेनर्स एक दूसरे को अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बैटल के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। कैमरन बोलता है कि ऐश तुम कैरेक्टर से तो काफी ज्यादा ऑसम लग रहे हो, बट हम बैटल में मिलते हैं। वहाँ पर असली टेस्ट होगा कि बैटल में कौन ज्यादा अच्छा है, तो मिलता हूँ बैटल में। ऐश बोलता है ठीक है और कैमरन वहाँ से चले जाता है। कुछ टाइम बाद ही स्टेडियम में ऐश की बैटल स्टार्ट होने वाली थी।